प्रत्युषा के पेरेंट्स का हुआ बुरा हाल। प्रत्युषा को इंसाफ दिलाने में पेरेंट्स पर आई पैसों की तंगी। छोटे से घर में गुजार रही है जिंदगी। तो क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। प्रत्युषा के निधन ने उनके पेरेंट्स की जिंदगी बदल दी है। अपनी इकलौती बेटी के इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे पेरेंट्स अपनी इस लड़ाई में सब कुछ गंवा चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि अब वो एक रूम किचन में रहने को मजबूर हो गए हैं। जब अप्रैल 2016 को टीवी जगत का पॉपुलर चेहरा प्रत्युषा बैनर्जी के निधन की खबर आई तो पूरी इंडस्ट्री शॉक में चली गई। ऐसे में प्रत्युषा के जाने से 5.5 साल बाद भी ये पहेली बनी हुई है कि प्रत्युषा ने ऐसा क्यों किया, आखिर क्या हुआ था उनके साथ। प्रत्युषा के पेरेंट्स का मानना है कि उनकी बेटी का मर्डर हुआ है। इसी पहेली को सुलझाने में प्रत्युषा के पेरेंट्स पिता शंकर बैनर्जी और माँ सुमा बैनर्जी ने सब कुछ गंवा दिया है। जब आज तक ने उनसे संपर्क किया तो पहले उनका यही जवाब था कि हमारा तो सब कुछ लूट चुका है, हम किस बारे में बात करें। काफी दरख्वास्त करने पर शंकर बैनर्जी अपनी स्थिति बताते हुए राजी हुए। शंकर ने कहा, इस हादसे के बाद ऐसा ही प्रतीत होता है मानो कोई भयंकर तूफान आया हो और हमारा सब कुछ लेकर चला गया हो। हमारे पास एक रुपया नहीं बचा था। दूसरा केस लड़ते लड़ते हमने अपना सब कुछ गंवा दिया है। प्रत्युषा के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं था। उसी ने हमें अर्श तक पहुंचाया था और उसके जाने के बाद अब फर्श पर लौटे हैं। हम लोग अब एक रूम में रहने को मजबूर हो गए हैं। इस केस ने हमारा सब कुछ छीन लिया। कई बार कर्ज तक लेने की नौबत आई है। चाइल्ड केयर सेंटर में काम कर रही हैं प्रत्युषा की माँ। इस बारे में बताते हुए शंकर ने कहा, इन दिनों प्रत्युषा की माँ चाइल्ड केयर सेंटर में काम कर रही हैं। वहीं मैं कुछ ना कुछ कहानियाँ लिखता रहता हूँ ताकि कोई बात बन जाए। पैसे की कमी है लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं हम। वैसे भी एक बाप कभी नहीं हारता है। मैं प्रत्युषा के हक के लिए मरते दम तक लड़ता रहूंगा। प्रत्युषा की जीत ही हमारी आखिरी उम्मीद है और मुझे यकीन है कि हम एक दिन जरूर जीतेंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि प्रत्युषा को इंसाफ जरूर मिले।